नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका यूनिक ऑनलाइन चैनल में स्वागत है। तो डियर, हम लोग बात करते हैं, आज हमारा जो हेडिंग होगी, आज हमारा जो प्रैक्टिकल का टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा हेडिंग टैग। तो हम लोग हेडिंग टैग पर आज हम एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, यदि हमें एचटीएमएल में हेडिंग बनाना हो तो हम कैसे हेडिंग बनाते हैं, आइए उसी पर हम लोग चर्चा करते हैं डियर। ओके, तो सबसे पहले करते क्या, वही हमारा वही पुराना सिस्टम, जैसे हम लोग सबसे पहले नोटपैड ओपन करते हैं। नोटपैड ओपन करने के बाद तुरंत हम लोग क्या करते हैं, कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा होगा हेडिंग टैग, हेडिंग टैग का इस्तेमाल कैसे करते हैं। आइए डियर देखते हैं, नोटपैड ओपन करते हैं। नोटपैड जैसे ओपन करते हैं और यहाँ पे अपना हम कोडिंग स्टार्ट कर देते हैं। नोटपैड हमारा विंडो हमारे सामने ओपन हुआ और यहीं पे हम लोग क्या करेंगे, कोडिंग शुरू कर देंगे। और कोडिंग मैंने आपको बताया था डियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, बस आप लोगों को बेसिक चीज़ अगर आपने पहले पीछे हमारी नेक्स्ट वीडियो को देख चुके हैं तो बिल्कुल आप उसी तरीके से सेम आप इसे यहाँ पे भी हम लोग देखते रहेंगे। चलिए तो हम बात करते हैं हेडिंग टैग का यूज कैसे करते हैं। यदि हमें किसी भी HTML में अगर हेडिंग बनाना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, HTML आप ओपन कर लीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, HTML टैग लगाएंगे। फटाफट यहाँ पे नोट करते हैं, HTML टैग यहाँ पे हमने अप्लाई कर दिया। तुरंत HTML के बाद यदि हमें कोई हेडिंग देना है, कोई टाइटल देना है तो बिल्कुल आप दे सकते हो, नहीं देना है तो कोई दिक्कत नहीं। हमने HTML लगाया, यहाँ पे हमने हेड टैग ओपन कर लिया, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या कर दिया डियर, हेड टैग ओपन कर लिया। जैसे हमारा हेड टैग हुआ, हेड के अंदर हमको जो भी देना है वहाँ पे आपने डिफाइन कर लिए। मान लो हमको हेडिंग में क्या देना है, यूनिक ग्रुप देना है, तो हमने यहाँ पे यूनिक ग्रुप टाइप कर दिया। जो हमको देना है हेडिंग वहीं पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको टाइप कर लेंगे। ओके, ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा भाई, ठीक है। यूनिक ग्रुप हमने यहाँ पे टाइप कर दिया, बिल्कुल यूनिक ग्रुप हमारा ये टाइप हो गया। अब हम यहीं पर क्या करेंगे, हेड को क्लोज कर देंगे। क्या करेंगे डियर, हेड को बंद कर देंगे, या अभी कोई दिक्कत नहीं, हेड हमारा अभी बाद में बंद हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, टाइटल ओपन कर लें। टाइटल क्या करता है, टाइटल देने के लिए टाइटल बार पे ना यहाँ पे हम टाइटल टैग का इस्तेमाल कर लें। टाइटल करता क्या है, ठीक है, टाइटल में हमको क्या करना है, ठीक है। तो हमको यहाँ पे टाइटल में करना क्या है, हमने यहाँ पे टाइटल टैग डिफाइन कर लिया। टाइटल टैग हमने यहाँ पे क्या कर लिया, डिफाइन कर लिया। अब हेडिंग क्या देना है हमको, हमने यहाँ पे दे दिया टाइटल में दे दिया हेडिंग एग्जाम्पल, क्योंकि हमारा जो टैग है कौन सा टैग है, हेडिंग टैग है, तो हमने यहाँ पे क्या दे दिया, हेडिंग एग्जाम्पल दे दिया, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पे हमने हेडिंग एग्जाम्पल बना दिया भाई। चलिए हेडिंग एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, टाइटल को यहीं पे बंद कर दें, बिल्कुल बंद कर दो भाई। टाइटल टैग हमने क्लोज कर दिया, ठीक है। चलो अब क्या बात करते हैं, हेड को हमने क्लोज कर दिया, हेड हमारा बंद हो गया। अब क्या करेंगे डियर, बॉडी टैग ओपन कर लेते हैं। बॉडी टैग के अंदर सारे कंटेंट को डिफाइन कर लेते हैं। बॉडी टैग हमारा ओपन हो गया। अब इस टैग में हमको क्या रखना है, हेडिंग देना है, हमने यहाँ पे हेडिंग बना दिया, ठीक है। हेडिंग में क्या रखना है, एच1 टैग हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिया। कौन सा टैग, एच1 टैग, हमने एच1 टैग लिख लिया। एच1 में हमारा हेडिंग फर्स्ट हो गया, क्या हो जाए, हेडिंग हमारा फर्स्ट हो जाए, ठीक है। हेडिंग पहला हो गया, ये एच1 को हमने क्या कर दिया, बंद कर दिया। ओके, एच2 टैग डिफाइन कर लो। एच2 टैग में आपको जो भी दिखाना, हेडिंग 2 हो गया, हेडिंग 2 हो गया। आप क्या करेंगे, बंद कर दो टैग को। इसी तरीके से जितनी हेडिंग बनाना है H3 ले लो, H3 ले लो, हमने यहाँ पे हेडिंग 3 डिफाइन कर लिया। आप क्या कर दिया, बंद कर दिया H3 को। अब क्या करेंगे, H4 कर देंगे। इसी तरीके से जितना हेडिंग आप लोगों को डियर बनाना है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे बना सकते हैं। ओके, आप ऐसे हेडिंग को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं।
ओके, तो हम लोग इसी तरीके से क्या करेंगे भाई, हेडिंग को बना सकते हैं, हेडिंग हमारा तैयार हो गया, ठीक है। S4 लिया, S5 ले लिया, ठीक है। S5 टैग हमें यहाँ पे डिफाइन कर लिए, हेडिंग को आपकी, ठीक है, यहाँ पे हेडिंग 5 हो जाएगी आपकी, ठीक है। यहाँ पे हेडिंग हमारा ये 4 था, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ओके, हेडिंग 5 हो गया, बंद कर दो, S5 क्लोज हो गया, S5 क्या कर दिए, क्लोज कर दिए, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, S6 ले लिया, S6 हमने कर दिया, हेडिंग हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाए, S6 बंद कर दो, ओके। इतना करने के बाद आपका बॉडी ओपन है, बॉडी क्लोज कर दो, बॉडी बंद हो गया। आप क्या करेंगे, HTML क्लोज कर देंगे, HTML क्लोज कर देंगे, HTML हमारा क्लोज हो गया, ओके। तो इस तरीके से हमारी कोडिंग डन हो गई। अब हम क्या करेंगे, तुरंत फाइल को सेव कर लेंगे भाई, सेव में जाके डेस्कटॉप को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे फाइल का नाम कुछ भी दे दें, ठीक है। सपोज दैट हमने यहाँ पे res.html कर दिया, .html, ओके, सेव हो गई फाइल। सेव करने के बाद हम तुरंत इसको रन कराते हैं, जल्दी से देखते हैं RS यहाँ पे आपका जो फाइल है देखते हैं, और RS नाम की फाइल हमारे यहाँ पे जो HTML के थे हमने इसको तुरंत ओपन कर लिया। और जैसे हमने यहाँ पे ओपन किया, देख लीजिए आपके सामने क्या है, टाइटल हमने अब दिया था यूनिक ग्रुप, हेडिंग एग्जांपल आपका था, आपको ये बात पता होगी जो कि मैंने डिफाइन किया था, और मैंने आपको यहाँ पे हेडिंग टैग के माध्यम से देखिए H1 H2 H3 H4 H5 इतने सारे टैग का इस्तेमाल हमने यहाँ पे कर लिया, ओके। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, ऐसे इसको रन करा लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले होता क्या, हेडिंग हमारा जो पहला हो सबसे बड़ी है, उसके बाद दूसरी आपका, उसके बाद तीसरी, उसके बाद चौथी, उसके बाद पांचवी, और सबसे आपकी जो छोटी हेडिंग होती है सबसे लास्ट वाली होती है। इसी तरीके से आपका हेडिंग टैग काम करेगा, ओके डियर।